नेपाल के लिए यह अच्छी खबर है। नेपाल के लिए एक इंजन तथा 6 कोच 15 को विजयवाड़ा से प्रस्थान करेगा। नेपाल के एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे जयनगर जनकपुर कुर्था तक 2 महीने के भीतर रेल परिचालन शुरू हो जाएगा। नेपाल सरकार ने कोंकण रेलवे से 2 इंजन तथा 5 डब्बा 15 जनवरी को जयनगर के लिए प्रस्थान करने की हरी झंडी दे दी है, जो 30 जनवरी को जयनगर पहुंचेगी। दूसरा इंजन तथा कोच फरवरी तक आने की उम्मीद है। यह जानकारी नेपाल रेलवे के इंजीनियर विनोद कुमार ओझा ने आज A2Z न्यूज लाइव को दी है। बिहार सरकार राज्य के 32,86,000 गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराएगी। मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार के वासियों के लिए यह बड़ी अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने यहां 120 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। बिहार में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, देश संविधान से चलता है, फतवों से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांधी मैदान में आयोजित नागरिकता संशोधन कानून के जनसंपर्क अभियान में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा रही है कि अब अपने शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। नागरिकता कानून इस देश की उसी परंपरा का हिस्सा है। वे गया के गांधी मैदान में समारोह को संबोधित कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रदर्शित करेगी। बिहार गरीब राज्य और इतनी घनी आबादी होने के बावजूद मानव श्रृंखला का बनाना बड़ी बात है। चुनावी साल होने से इस बार की मकर संक्रांति खास होगी। प्रदेश में बुधवार को मकर संक्रांति के मौके पर ही दही चूड़ा खाने के साथ ही खरमास खत्म हो गया। अगले 2 से 3 महीने के भीतर राज्यसभा की 5 एवं विधान परिषद की 29 सीटें खाली हो रही है। इसको लेकर जी तोड़ शुरू कर दी गई है। राजनीतिक गर्माहट भी आज से शुरू हो गई। इसके अलावा नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां आज से शुरू कर दी गई। हर साल की तरह इस बार भी 3 प्रमुख दल जदयू, भाजपा एवं कांग्रेस ने दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया। राजधानी पटना में वाहन जांच के दौरान ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर अब लोगों से जुर्माना वसूलने के साथ ही गाड़ी का कागजात और लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे लोगों को सुल्तान पैलेस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च के द्वारा चलाए जाने वाले सड़क सुरक्षा ज्ञान केंद्र में 1.5 घंटे की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। इसके बाद चालक को गाड़ी का कागजात और लाइसेंस मिलेगा, जिसकी शुरुआत मंगलवार से राजधानी पटना में कर दी गई। पहले दिन व्यवसायी राजकुमार शरण, व्यवसायी अरुण डालमिया, अनिल कुमार और पंकज कुमार के साथ महेंद्र प्रसाद यादव को ट्रेनिंग दी गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजद चुनाव लड़ेगा यह तय है, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश हो रही है। दिल्ली प्रभारी मनोज झा और राष्ट्रीय महासचिव कमर आलम कांग्रेस से बात कर रहे हैं, अलायंस हो जाए तो अच्छी बात होगी। पटना IGIMS की इमरजेंसी ICU संक्रमित हो गई है, यह खुलासा कल्चर जांच से हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही अस्पताल की ICU के कुछ मरीजों को मेडिकल सर्जिकल ICU, HDU और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी ICU में 24 बेड हैं, अभी 12 बेड के मरीजों को शिफ्ट किया गया है। इनके संक्रमण मुक्त हो जाने के बाद शेष 12 बेड को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। सदर अस्पताल लखीसराय में इलाज के दौरान एक विचाराधीन कैदी विक्रम कुमार की मौत हो गई। विचाराधीन बंदी विक्रम कुमार की मौत के बाद सुबह से ही परिजनों में हंगामा शुरू हो गया। हाजीपुर के महनार थाना क्षेत्र के नारायणपुर डेढ़पुर गांव की अनुसूचित जाति की विधवा महिला के साथ 4 दबंगों ने पिस्तौल के बल पर गैंग रेप किया। सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना को रविवार की रात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 दिनों तक इस महिला एवं इसके परिजनों को तड़काया, जिसके बाद आखिरकार FIR दर्ज कर ली गई है तथा पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी पटना के प्रतिष्ठित जेनिथ कॉमर्स अकादमी में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया। जेनिथ कॉमर्स अकादमी के डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह ने कंकड़बाग स्थित इंस्टीट्यूट में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा हर साल चूड़ा दही भोज का आयोजन करने का एक ही मकसद रहता है कि इसी बहाने से सभी एक दूसरे से मिले और अपने सुख दुख को एक दूसरे से शेयर करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सैन्य कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेना भारत का गौरव है। मोदी ने ट्वीट किया कि भारतीय सेना भारत माता का गौरव है। सेना दिवस के अवसर पर उन्होंने देश के सभी जवानों के अदम्य साहस पराक्रम को सलाम किया। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। संशोधित नागरिकता कानून को लेकर अपनी टिप्पणी के कारण अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ही कई लोगों के निशाना पर आए पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को अपने आलोचकों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो आलोचना कर रहे हैं उन्होंने स्वयं ही विभिन्न मौकों पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शेखपुरा के द्वारा समरसता विभाग के तहत नगर के जमालपुर मोहल्ला के अनुसूचित जाति टोले में श्रीराम खिचड़ी का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ के समरसता के प्रांत प्रमुख अनिल कुमार, स्थानीय ग्रामीण सुखदेव, अशोक रविदास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बरबीघा में माहुरी वैश्य मंडल बरबीघा में मंडल के पदाधिकारियों का चुनाव निर्वाचित पदाधिकारी की मौजूदगी में आज किया गया। नए सत्र के लिए हुए चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु ओंकार प्रसाद सेठ को अध्यक्ष चुना गया। शेखपुरा में मदरसा के मौलवी पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत आई है सामने। शेखपुरा में सोमवार के दिन जिले के मेहसी थाना क्षेत्र के मनियोरी गाँव स्थित मदरसा के मौलवी पर एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित बालिका के साथ उसके परिजन महिला थाना शेखपुरा पहुंचकर दुष्कर्मी मौलवी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। गायघाट थाना क्षेत्र के लादी गांव से पुलिस ने 150 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। इस मामले में कारोबारी फरार हो गए। पुलिस इस मामले में कारोबारी की तलाश करने में जुटी है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में गायघाट के विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने मुस्लिम भाइयों को खिलाया मकर संक्रांति का भोज। जेडीयू आरजेडी कार्यकर्ता हुए शामिल। मकर संक्रांति के अवसर पर गायघाट के विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के अहियापुर स्थित आवास पर गायघाट विधानसभा क्षेत्र एवं मुजफ्फरपुर जिले के सम्मानित मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं को दही चूड़ा भोज पर आमंत्रित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भोज में शिरकत की। 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला के लिए बंदरा में तैयारी तेज कर दी गई है। वीडियो अलख निरंजन ने बताया कि बुधवार को प्रखंड के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मैठी से बंदरा तक मानव श्रृंखला का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान जगह जगह पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान बंदरा के सीओ रमेश कुमार, बीईओ रीता कुमारी, सीडीपीओ बिंदा प्रकाश, बीआरपी नीरज कुमार, सीआरसीसी नवनीत कुमार, सुरेंद्र प्रसाद आदि भी मौजूद रहे।